इजी कुकिंग भाई परमजीत कौर फ्रॉम मोहाली भी तुहाडा स्वागत है। अज असी आलू मटर के परौंठे बनावांगे। जे दी रेसिपी तुहानू अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। जे हुण तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वह भी प्लीज़ कर देना, नाल ही बैल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि साडे हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानू पहुँच सके। तो हुण आलू मटर के परौंठे वास्ते जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की जरूरत है एक एक करके असी तुहानू दिखाने। ये देखो जी, सब तो पहले असी आलू असी बॉयल करके रखे हैं, उपर का छिलका असी उतारता है। ये दो आलू है वैसे, तो एक वेट वैसे 180 ग्राम के करीब करीब है। इस तरह ही मटर असी लैके उन्होंने असी बरीक कर लिया, कुट लिया किसी चीज़, मतलब कह सकते हो थोड़ा थोड़ा असी कुट लिया मटर नूं, हरे मटर ने दरदराजा कर लिया, हरे मटर कट के। तो यह भी यदा वेट भी 180 ग्राम ही है, ये अंदाजे नाल तुसीं वैसे लै सकते हो। तो इस तरह एक छोटा जिहा प्याज लिया, उहदे असी पीसिस कर लेने, थोड़ी जी हरिया मिर्चा वो पीसिस कर लें, थोड़े हरे धनिया के पत्ते लेने। तो ये वास्ते बस दो ही चीज़ें यूज होनी है, अजवाइन तो नमक तो देसी घ्यो। जैसे इन बनावे तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखो चार एक परौंठिया का यह मैटीरियल है, जिन्ना क्या मटर भी और आलू भी दोनों 180 ग्राम है। तो असी हूँ आलूआं जी उबाल के रखे हैं, असी जिस तरह अभी मैश करा सारी चीज़ें इकट्ठिया असी मिला के इन्हों मैश करा, मटर भी असी पाते आलूआं च। देखो जी असी प्याज हरी मिर्च तो धनिया पत्ते ये सारी चीज़ों अच्छी तरह असी मैश करांगे मिक्स करांगे। तो ये नाल ही असी नमक अपने टेस्ट मुताबक तुसी घट वध पा सकते हो। असी देखो जी एक चम्मच असी छोटे वाला जिहड़ा असी नमक दा ऐड कीता, इस तरह थोड़ी जी असी अद्धा क असी चम्मच अजवाइन दा कीता है। तो बस हुण सारिया चीज़ां असी मिला के इन्हां नूं मिक्स करांगे, अच्छी तरह मिलावांगे ताकि अजवाइन और नमक और सारा मटीरियल एक दूजे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हाँ तो भैया हाथ नाल ही बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। आलू भी असी जो बॉयल करके रखे हुए वो भी अच्छी तरह मिक्स हो गए। ये साढ़े चार एक परौंठिया का मैं इन्ना क मटीरियल है जी। आटा असी देखो जी पहले असी नॉर्मल गूंद के रखे हुआ, नॉर्मल आटा असी रखे हुआ, ना ये सख्त है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है। तो असी इन गूंद को रख लिया से, असी इन कणक का आटा। हाँ देखो जी पेड़ा असी लै लिया, ना असी वड्डा लिया असी ना छोटा लिया, नॉर्मल ज लिया। बाकी तुसीं आपदे उहदे मुताबक छोटा वड्डा कोई भी लै सकदे हो जिस तरह का तुहानूं पसंद है। हाँ तो कोई थोड़े जे सुके धाड़े धूड़े नाल इहनूं आटे नाल सुके नाल करके ते इहनूं बेल लेना, अच्छी तरह बेल के ते इहदा स्टफ इहनूं कर देना। आलू मटर ते हरी मिर्च धनिया सारी चीज़ां जिहड़ियां मिक्स कीतियां होईयां, जिन्ना क इहदे च आ सकदा अच्छी तरह इहदे च इहनूं पा देना। इस तरह असीं इहनूं करके इहदे च कोने कोने च सारा स्टफ्ड मटीरियल पहुँच जाणा। इहदे च बहुत सिंपल परौंठा है, बहुत ये हेल्दी परौंठा जी है और हल्का बहुत है क्योंकि ये कोई भी चीज़ हैवी यूज़ नहीं की, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं असी यूज़ की और इस तरह ही अच्छा लगता है। इन हजम करना भी आसान है तो बनता भी हल्का है और बनाना भी ईजी है। इस तरह असं बेल लेना जी। परौंठा बेल गया चारों तरफ तो बिल्कुल बराबर असी बेल लिया, जितों मोटा सी थोड़ा जहा बेलना मार के पतला कर लिया। ठहर पलटे होना मन दस दिओ पहले। हाँ देखो जी उधरों साडा ये पक गया, तो इधरों असी हुण थोड़ा जहा घी लगा के तो असी पासा दा पलट देना है। बस इस तरह की असी थोड़ा थोड़ा लगाया, बाकी तुसी अपने टेस्ट मुताबक ज़्यादा भी लगा सकते हो। तो असी उहदा पासा पलट देना इहनूं जी। हाँ तो इस तरह असी रोल इहनूं करना ताकि ये चारों पासों बराबर ब्राउन होएगा पक्केगा। जिवें उधरों पक गया असी इहदा पासा फिर पलट देंगे। हाँ तो ये साढ़े इधरों तैयार हो गया, तो उधरों जो इस तरह का ब्राउन हो जाएगा तो इहनूं उतार लाँगे असी।
दूसरा परौंठा भी साढ़े देखो जी तैयार हो रहा नाल दे नाल ही। जो ये बन के तैयार होएगा वो असी तवे ते पावांगे। आ देखो जी परौंठा साढ़ा बन के बिल्कुल तैयार है इधरों भी ते दूसरी तरफ तो भी। ये असी उतार लिया ते दूसरा असी इहदे ते ऐड कर देना। आ तो जी इहदे ते असी थोड़ा थोड़ा कट लगा देना, इहदे नाल परौंठा क्रिस्पी हो जांदा नाले अंदर तक पक जांदा। हो गया अदे उधरों साडा हो गया ते नाल ही असी इहदा पासा पलट दिता इहदा। जदों उधरों ब्राउन थोड़ा जिहा हो जाएगा ते उहनूं पलट के कट वाले पासे असी घी लगावांगे। आ देखो जी उधरों साडा पक गया ते असी इहदा पलटता पासा, हुण कट वाले पासे असी घी लगा देना। घी लगा के ते इहनूं फिर उलट देना असी इहनूं। बस असी इक पासे असी घी लगा रहे हां, इह बिलकुल भी हैवी नहीं बनता। जिवें उधरों ब्राउन होएगा तो असी इहदा पासा पलट देंगे। हुण देखो जी उधरों साडा तैयार हो गया, ये असी पलट दिता। थोड़ा जिहा इधरों होर गोल्डन ब्राउन होएगा तो जदे असी इहनूं उतार लवांगे। आ देखो जी साडा परौंठा साडा बन के इधरों भी तैयार है तो दूसरी तरफ तो भी तैयार है। तीसरा परौंठा असी इहदे ते पा देंगे। हाँ इसी तरह इह भी तैयार कर लेना जी। देखो इस तरह असी कट ला देने इहनूं। आलू मटर के परौंठे बन के साढ़े बिल्कुल तैयार हैं। उम्मीद करते हैं तुहानू पसंद आएंगे। एक बार बना के देखो और कमेंट बॉक्स अपने कमेंट्स जरूर दियो कि तुहानू कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।